घुसमुस कर देना है, घुसमुस कर देना है, बाप नला दिखा रहे है। अर्णव गोस्वामी कौन है यार भारत में, कहता चीखता है भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन, आपके साथ मोहम्मद मिराज आजम। साल 2020 है, चुनावी साल है, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव जेल में है, सजा याफ्ता है। ऐसे वक्त में लालू यादव जब बाहर हुआ करते थे तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक बेबाकी अंदाज, जिस तरीके से वो बोला करते थे, सभा में जिस तरीके से लोगों को हंसाने का काम करते थे, इस वक्त वो जेल में है, सजा याफ्ता है। उनके चाहने वाले कहीं ना कहीं मायूस दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में एक छोटा लालू है जिसके बारे हम ये कह सकते हैं, लालू से कम भी नहीं है और लालू से ज़्यादा भी नहीं, लेकिन लालू के बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम है कृष्ण कुमार यादव। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव को जेल में है, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे होगा और आप लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर जी, जैक्सन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना दूर से मधेपुरा से चल गए आप लोग आज, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद पटना से धरती पर। मेरा आपसे पहला सवाल है, लालू यादव सजा याफ्ता है जेल में, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव कैसे श्री यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं और गार्जियन है तो वहाँ से संरक्षण देना है। आज पूरे बिहार में धर्म जोशी के साथ नेता एक नेता को नंबर दिया, आज हम लोग हजार लालू यहाँ बिहार में घूम रहे हैं और घूम घूम करके उसको भगाने का काम करेंगे। आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में सरकार बनाएंगे और जितना युवा नौजवान घूम रहा है बेरोजगार, उसको रोजगार देने का आरजेडी काम करेंगे। तो नेता अंदर है बाहर है उससे अभी हम लोग को है तकलीफ है, मान में तकलीफ है, लेकिन हिम्मतें मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मत करके और जेपी जयप्रकाश नारायण जी के हम लोग लालू जी राजनीतिक पुत्र हैं, हम लोग घबराने वाले हैं बीजेपी से हार के। बड़ी जिम्मेदारी है राजद परिवार को और ऐसे में चुनाव आने से करीब काफी जो पार्टियां हैं वो अब अलग होता दिखाई पड़ रहा है, तो नहीं लगता है कि तेजस्वी तेज प्रताप की बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आप लोग कैसे? चुनाव का पर्व है और इस चुनाव के पर्व में बहुत सारा मछली जो है गराई पोठिया गैची सब एक जगह हुलुर बुलुर कर रहा, अब कौन एने से ने कौन एने से ने भाग रहा है उसे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। और महागठबंधन एक है कांग्रेस पार्टी और हम लोग सारे लोग बहुत सारे गठबंधन में सीपीआई सीपीएम और सारे लोग एक है। अब अखनी चुनाव के टाइम है तो इन्हें उन्हें लोग भागते रहता है, कुछ आते रहता है, इससे घबराने की बात नहीं है। महागठबंधन एक है और एनडीए को पटक देंगे। अरे लड़ाई बा, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो रोजगार मिलेगा युवा रोजगार कैसे कह सकते कि रोजगार देंगे, इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी। हम नरेंद्र मोदी है बोले थे 2 करोड़ को रोजगार देंगे, अब 15 लाख। लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल जुवान का पक्का है, ये पूरा बिहार की जनता जानती है, जो कहा उसको करके दिखाने का काम किया पूरे बिहार में, गरीब गुरबा के नेता है तो हम लोग झूठ कुछ नहीं बोलते। मोदी जैसे मोदी झूठ बोलते देखे नहीं, बोला कि तो 2 करोड़ युवा के रोजगार था, तो जुमला था और झारखंड का जिला गुमला था, तो ऐसे लोग से बिहार की जनता तंग आ गई है 6-7 साल। सरकार पे अक्सर आप सवाल खड़ा करते, डर नहीं लगता? डर लालू यादव को डर हो जाएगा बिहार में नहीं, हम दूसरा रूप अभी ना है, हमको डर हो जाएगा। और अभी बीजेपी नागपुरिया कानून वाला से आरएसएस का जो बैठा हुआ है नागपुर में, उससे हम लोग डरने वाले हैं। बिहार है उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, कैसे कह सकते हैं हल्दी लगाता है? बिहार की जनता में उतना पावर है, महावीर की कर्मभूमि अशोक सम्राट का ये धरती है, सीता मैया यहीं से जन्म ली जनकपुर, तो हम लोग सब लोग उस धरती से आते हैं, तो हम लोग डरने वाले हैं नागपुरिया कानून से। जिस तरीके से आप अंदाज में बोलते हैं, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली लालू यादव का दूसरा रूप आपको कहा जाता है? ये प्रेरणा कोई भी समाज में अच्छा काम करेगा गरीब के लिए, गरीब ठेला रिक्शा वाला देखते हैं महावीर स्थान में सब लोग घूमते रहते हैं, तो उनके लिए लालू यादव और दूध वाला जो हटा दिया, बगल में जो मंदिर था दूध वाला सारे
समाज के हर एक जाति धर्म के लोग वहाँ दूध पिलाने आते थे, इसको हटा दिया। वैसे गरीब के नेता उनको संरक्षण देने का काम करते थे, तो उनसे प्रेरणा मिलेगा ना, कोई अच्छाई करेगा। और खास करके लालू यादव गरीब गुरबा के नेता थे, उनसे सीखने को मिलता है और मदद करने में मजा आता है लोगों को। याद आती है लालू? बहुत याद आती है, हमारे भगवान है और हम लोग भगवान तो ऊपर में है, आप उसको भगवान कहते हैं। अरे ये अथी वाले भगवान है ना, हृदय रूपी भगवान है। और एक नया बच्चा को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, कला के क्षेत्र में, राजनीति में। और कितने गरीब को, भगवती देवी को पत्थर तोड़ने वाली को सांसद बनाने का काम किया, और शिवचंद्र राम जो एक अथी के बेटा है उनको मंत्री बनाने का काम किया, श्याम रजक एक अथी का बेटा है उनको भूमिका बेटा है उनको बनाने का काम, कई बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो देवता नहीं तो क्या है। लालू यादव के दोनों बेटे पे बड़ा आरोप लगा है, क्या चीज का आरोप लगा है? हत्या हुई है ना, उसमें कहा जा रहा है कि चुनाव है तो मसाला चाहिए ना मीडिया वाला को, ये दिखा रहे है। अर्णव गोस्वामी कौन है यार भारत में, कहता चीखता है भारत और पूछता है भारत, अरे क्या बोल रहे हो आप? सही से आप अच्छे पर रमेश जी को देखिए, कितना अच्छा पत्रकार है, रजत जी भी ठीक ठाक है। ऐसे कोई आदमी बोलता है कि चीखता है भारत पूछता है, अरे यार क्या पूछ रहे हो? मौजूदा वक्त में आप मीडिया में सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये जो बात है तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी पर राजनीति, जदयू और बीजेपी के लोग अब तेजस्वी जी आके मर रही है, देख रहा है चुनावी मुद्दा है तो कह रहा है कि रे बा कैसे मार दिया लोग। लेकिन आरोप तो लगा है ना, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के टाइम बा लगत रह, लगाते रहेगा बीजेपी का। कब आरोप नहीं लगाता है बीजेपी, पिताजी पर भी लगाए थे तेजस्वी के पिताजी पर, ये सब लगाते रहता है पॉलिटिकल, ये सब कोई अच्छी नहीं है। हक पूर्वक आप अक्सर कहते नजर आते, क्या है माजरा उसमें? वो गाँव गवाई के लोगों को अपने और बताने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या बोला, सब हंसते कौन? अरे हमारे गांव के लोग, हमारे सारे हमारे प्रिय जो लोग हैं सब लोग हंसते हैं, उनको अच्छा लगता है कि भाई हाँ ठीक। आप हंसाने के लिए हंसाने के लिए नहीं हंसाने के लिए? अरे बिल्कुल, हंस दिया तो दिल हो गया साफ, और रखिएगा तकलीफ मन में तब कंजूसी रहे। और कुछ बताइए, कुछ यादगार पल लालू यादव के बारे में बताइए, काफी आपको फलता हो, अब वो है नहीं। वो रहते थे तो हमको दुगना ताकत मिलता था, वो सिखाते रहते थे मंच पर भी, की बोलो है छोटा लालू, ये बताओ जनता को बोलो कि सतुआ लेकर आई है रैली में, चूड़ा लेकर आई है, और लालू यादव पानी पिलाएगा और तरबूजा खिलाएगा। बिल्कुल पूरा न्योता देने के लिए हम लोग जाते थे उनके साथ, लालू जी बहुत मानते हैं बचपन से, और कह दिए हैं कि जाओ छोटा लालू पूरा बिहार का भी भ्रमण करो और नीतीश के नैया को जीत करो। तो उनका हम लोग जो लड़ाई है नीतीश कुमार का पूरा जीतना है, कहता है लोग कि दारू बंद है, सारा युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, दारू के चक्कर में बोला बंद हो गया शराब, और होम डिलीवरी दाना दन रोज मारता है, जो नहीं पीता था वो भी और पीने लगा है, अब तो डुप्लीकेट मिलता है, जहर मिलता है, और जल्दी युवा का मतलब युवा लोग का तबीयत खराब है। मौजूदा सरकार कैसे देख रही, क्या काम काज रहा चुनाव काफी करीब? मौजूदा सरकार तो इतना डबल इंजन है ना, एगो डायमेज तो एगो ठीक, एगो डायमेज तो एगो ठीक, उठा पटक नहीं बैठल है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दोनों प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो इनको झुकमुकिया दिया नीतीश को, तेजा बन गए वाला, तो इन लोग का कोई अथी नहीं, अंदर से सहमति नहीं है, और इन लोग इस बार चीत हो जाए। कुछ सुना दर्शकों को लालू यादव की आवाज़? अरे बिहार के जनता से यही कहेंगे, अपील करते हैं कि सब लोग एक हो जाओ नरेंद्र मोदी, और खास करके युवा युवती को, युवा युवती कर रहा बिहार में पुकार है, नीतीश की सरकार बेरोजगार है, तेजस्वी लाओ रोजगार पाओ, बिहार बचाओ, नीतीश भगाओ। और कुछ क्या दर्शक संदेश? और दर्शक को यही बोलेंगे कि भाई एकदम बन ठन के तैयार रहिए, जैसी घुसेगा कि अरे घुसघुस कर देना है, जो वादा किया था 2-2 करोड़ वाला 15-15 लाख, तो उसको
लोग जैसे गांव में पहुंचेगा तो कहेगा अरे बाप पंडला पंडला। आपसे अंतिम सवाल है, चलिए आपसे अंतिम सवाल है कि आगे की क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि भाई भाजपा को भगाइए। नीतीश कुमार को सबसे पहले बिहार का भी चुनाव है तो उड़ती चिड़िया के हल्दी नीतीश कुमार को हल्दी लगा करके हम लोग नागपुर भेजाने का काम करेंगे और भाजपा को भगाएंगे और यशस्वी तेजस्वी एक युवा का सरकार आएगा तो युवा के बातों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और युवा के लिए काम करेंगे हम लोग और युवा को शक्ति मिलेगा तब जाके युवा बढ़ेगा। युवा जो है देश और दुनिया का रीढ़ है और रीढ़ ठीक रहेगा तब पूरा मिजाज ठीक रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि पूरा बिहार और खास करके पूरे मधेपुरा सहरसा पूर्णिया कटिहार और खास करके पूरा बिहार सब लोग एकदम दंडन आइए और जीत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए और हमरो आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत बढ़ाइए।